हाय गाइस, आई एम संजय फ्रॉम बीएनओ ट्रेडिंग। आज के टॉपिक है 8 मोस्ट पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। फास्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। जब डाउन ट्रेंड में आप इस कैंडलस्टिक को फॉर्म होते देखोगे तो उसके नेक्स्ट कैंडल जब मॉर्निंग स्टार को ब्रेक करेगा तो आप इस ब्रेकिंग पॉइंट पे अपना ट्रेड ले सकते हो। ये एक बुलिश सिग्नल है। नेक्स्ट देखते हैं हैंगिंग मैन। अगर बुलिश ट्रेंड में हैंगिंग मैन फॉर्म होता है तो हैंगिंग मैन के जो नीचे का जो टेल है तो उसको अगर जब क्रॉस करेगा कोई बियरिश कैंडल तो उस ब्रेकिंग पॉइंट पे आप पुट बाई कर सकते हो और कॉल को सेल कर सकते हो, यानी बियरिश ट्रेंड ले सकते हो। ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के नेक्स्ट कैंडल अगर इवनिंग स्टार को कहीं से भी ऊपर क्रॉस करे तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ब्रेक करेगा नीचे की ओर तब ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा इवनिंग स्टार के ऊपर। यहाँ पे एंट्री है और स्टॉप लॉस है इवनिंग स्टार के ऊपर। एक बियरिश कैंडल फॉर्म है। फोर्थ है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड शो करता है। जब शूटिंग स्टार के जो बॉडी है, बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है इसका अगर कोई क्रॉस करे, बॉडी का नीचे अगर कोई कैंडल फॉर्म दिखाई दे तो आप तुरंत ट्रेड ले सकते हो और इसका स्टॉप लॉस रहेगा शूटिंग स्टार के ऊपर। अब ध्यान रखना सिर्फ 5 या 10 मिनट कैंडल फ्रेम में ये यूज़ करना, 5 मिनट कैंडल फ्रेम के नीचे मत यूज़ करना। यह है बुलिश एंगल्फिंग। बियरिश मार्केट में अगर रेड कैंडल के नेक्स्ट कैंडल अगर पूरा रेड कैंडल को कवर कर दे तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो, यानी थर्ड कैंडल पे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है सेकंड कैंडल के नीचे, यानी ग्रीन कैंडल के नीचे। ये है हैमर स्टिक पैटर्न। बियरिश मार्केट में हैमर स्टिक पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड को शो करता है। इसका एंट्री पॉइंट रहेगा हैमर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल, जब हैमर कैंडल को क्रॉस करेगा तभी, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये हैमर कैंडल के टेल के नीचे। हैमर कैंडल बॉडी के ऊपर एंट्री और टेल के नीचे स्टॉप लॉस। ये है बॉडी, एक कोई भी कैंडल का ये है बॉडी रहता है और ऊपर और नीचे ये दोनों दिख रहा है वो टेल है। यह है इनवर्स हैमर पैटर्न। इनवर्स हैमर पैटर्न भी एक बुलिश ट्रेंड को रिवर्सल के लिए जाना जाता है। जब इनवर्स हैमर के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल शो करेगा और उसको ब्रेक करेगा तो ब्रेक होते ही इसका एंट्री पॉइंट रहेगा और जो स्टॉप लॉस रहेगा हैमर कैंडल के नीचे। लास्ट है बियरिश एंगल्फिंग। जब बुलिश मार्केट में ग्रीन कैंडल के नेक्स्ट कैंडल ऊपर से और नीचे से ग्रीन कैंडल को कवर करे तो तब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है और इसका एंट्री पॉइंट है रेड कैंडल के नीचे और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा टॉप पे, मतलब रेड कैंडल के ऊपर। इस चार्ट पैटर्न का क्लियर फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रहेगा कोर्स के रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।